अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुर्गी सलम। दो मैंने फुल चिकन लिए हैं। आपने पूरी मुर्गी लेनी है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और छुरी की मदद से इसके अंदर से भी आपने साफ़ करना है ताकि इसके अंदर हमने फिलिंग करनी, कोई भी गंद ना रहे। मुर्गी को आपने 3 से 4 घंटे के लिए मसाला लगा के इसको फ्रिज में रखना है या ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में रख लें। चले हम मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें लेकिन इतना काफ़ी होगा इसमें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी टाटरी, 1/2 टीस्पून जर्दा रंग, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ये कलर के लिए, और 2 टेबल स्पून सिरका, 4 टेबल स्पून इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लेमन भी जाएगा और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और अब चिकन को अच्छी तरह से, जो हमने कट लगाए हुए हैं इसमें कट में अच्छी तरह से आपने फिलिंग करनी है और इसके अंदर भी आपने मसाला अच्छी तरह से भर देना है। दूसरे चिकन को भी इसी तरह से हम मसाला लगा के इसको ओवर नाइट के लिए या 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। अब इसकी फिलिंग का मसाला रेडी कर लेते हैं। पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होगा इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। प्याज ब्राउन हो गए, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया, हरी मिर्चें, काजू, पिस्ता, बादाम इसमें शामिल करेंगे और 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने यहाँ पे मसाले खड़े रखे हैं, आपने फिलिंग में डालना है और ज़रा आपको हटके टेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि जो ग्रेवी बनानी है वो मैंने ग्राइंड करके बनानी है। अगर आप यहाँ पे मसाले पीसना चाहते हैं तो आप पीस लें। अंडों को आपने ज़्यादा देर बॉयल करने के बाद मसाले में शामिल कर देना है और 30-40 सेकेंड के लिए इसको भी भून लेना है। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब आपने चिकन का फुल पीस पकड़ना है और अब उसमें आपने अंडों की फिलिंग करनी है। सबसे पहले मसाला डालेंगे, उसके बाद आपने अंडे रखने हैं। धागे के साथ इसकी टांगें बांध लें और आपने जो है स्टिक फंसा दें ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। दूसरा भी इसी तरह से बांध लेंगे। चिकन को जब मैंने मसाला लगाया था साथ इसके 2 पोटे भी थे, मैंने उनको भी इसी मसाले में मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब इसको भी साथ फ्राई कर लेंगे और जो ये लीक फंड बचा है इसे आपने वेस्ट नहीं करना, ये मसाले में इस्तेमाल हो जाएगा। बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसमें चिकन का पीस रख देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर आपने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है और दूसरी साइड पर भी इस तरह से चाट मसाला लगाना है और अब चम्मच की मदद से इस पर ऑयल डालते जाएंगे। और अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपको ये चम्मच उसे ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेंगे और दूसरा पीस भी डाल देंगे और इसके ऊपर भी चाट मसाला डाल देंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने बड़ा देच कर लिया है क्योंकि हमने इसमें चिकन के पीस दम करने हैं और ये 2 पीस हैं और ये छोटे किसी बर्तन में नहीं बनेंगे। सबसे पहले जो ये ऑयल हम जिसमें हमने फ्राई किया वही ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ी देर आप रख दें, सारा मसाला इसमें बैठ जाएगा, फिर आप ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने ग्राइंड किया उसका पेस्ट शामिल कर देंगे। 1.5-2 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किए, इसको भी भून लेना है। 5 मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर,
हाफ टी स्पून नमक। और अब जो जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था जो पानी बचा दही वाला वो शामिल कर देंगे, उसके मुताबिक आप नमक मिर्ची इसमें शामिल करें, अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह इसको 4 से 5 मिनट भून लेंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें 1/2 कप दही शामिल कर देंगे और जब तक दही का पानी खुश्क होता है तो इसमें काजू और बादाम जाएंगे, उसको आप ग्राइंड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने खशखश लिए, 20 से 25 बादाम लेने, 20 से 25 आपने काजू लेने, इनमें 2 टेबलस्पून आपने पानी डालना है और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। दही का पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे मजीद भून लेंगे। इस पोजीशन पे आप नमक मिर्च टेस्ट कर लें, अगर आपको कोई कम लगता है तो इसमें शामिल कर दें। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने नमक इसमें शामिल किया है। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया, अब इसमें चिकन के जो फ्राई किए हुए पीसेस हैं वो शामिल कर देंगे। और जो ऑयल निकला है वो भी इसमें शामिल कर देंगे, अब मैं वेस्ट नहीं करना कुछ भी। अब चम्मच की मदद से मसाला चिकन के ऊपर डालेंगे। मसाला डालने के बाद लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और उसके बाद दोबारा इसका ढक्कन खोलेंगे और उसकी साइड चेंज करके फिर 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद दम पे रखेंगे। दोनों साइड्स को आपने बारी बारी कम से कम 10 से 15 मिनट पकाना है। दो दफ़ा इसकी साइड चेंज करके इसको पका लिए, अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल कर दें। फिर से चिकन के ऊपर एक ग्रेवी डालेंगे और उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पर दम पर रखना है। अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की ग्रेवी रख लें, अगर ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, और अगर रोटियों के साथ खाना है तो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी बना लें। एक चिकन के पीस में 2 अंडे होते हैं, अगर आपने अंडे मज़ीद डालने हैं तो आप इसमें अंडे शामिल करें, मिक्स करें और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके दम पर रख दें लो फ्लेम पर। दो मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को ऑफ कर दें और अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। 2 यहाँ पे मैंने मुर्ग मसाला बनाया है, चावलों के साथ भी आप खा सकते हैं, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और हल्का सा आपने धनिया इसके ऊपर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और अब हसबे ज़रूरत काजू पिस्ता बादाम के साथ आप इसको गार्निश कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।